तत्काल न्यूज लाइव के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन प्रेस कीजिए। नमस्कार, मैं हूं सोनिका और आप देख रहे हो तत्काल न्यूज लाइव। तालुका क्षेत्र में कार दुर्घटना में डॉक्टर की बेटी की जगह पर ही मौत हो गई और मां गंभीर रूप से घायल हो गई है। मिली जानकारी के अनुसार 30 वर्षीय डॉक्टर नीलिमा नंदेश्वर और उनकी मां प्रभा नंदेश्वर शुक्रवार की दोपहर 12:30 बजे अपने अल्टो कार से चंद्रपुर से वरोरा में आनंदवन के लिए जा रहे थे। मोड़ पर उनकी तेज रफ्तार कार नियंत्रण खो बैठी और सड़क के बाजू जा गिरी। हादसे में 30 वर्षीय नीलिमा नंदेश्वर की जगह पर ही मौत हो गई और उनकी मां गंभीर रूप से घायल हो गई है। इस मामले की जानकारी जाम महामार्ग पुलिस को मिलते ही पुलिस अधीक्षक भरत करोड़, पुलिस कर्मचारी सुनील श्रीनाथे, ज्योति राउत घटनास्थल पर पहुंचे और घायलों को अस्पताल ले गए। वहां डॉक्टर नीलिमा को मृत घोषित किया गया और उनकी मां गंभीर रूप से घायल मिली। ऐसे ही कुछ खबर के लिए रुख लेते हैं तोरल की ओर। नमस्कार, मी तोरल आणि तुम्ही बघत आहे तत्काल न्यूज लाइव। नागपूर अमरावती राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 6 वरील धामणा शिवारातील इंडियन पेट्रोल पंप जवळच्या अमरजीत धाब्यासमोर गुरुवारी दुपारी 4 सुमारास ही घटना घडली। नागपूरच्या दिघोरी परिसराच्या पंचवटी आश्रमामधील डॉक्टर बाबूराव श्रावण भुरे आपल्या सहकुटुंबासह अमरावतीवरून नागपूरला परत येत होते। या दरम्यान त्यांच्या कारनं उभ्या ट्रकला मागून धडक दिली। या अपघातात डॉक्टर बाबूराव भुरे यांचा 25 वर्षाचा मुलगा गणेश यांचा जागीच मृत्यू झाला तर पत्नी वंदना यांच्या रुग्णालयात नेत असताना वाटेतच मृत्यू झाला। डॉक्टर भुरे यांची कार ट्रक मध्ये शिरली होती। या अपघातामुळे मार्गावरील वाहतूक काही काळ विस्कळीत झाली होती।